हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बात करेंगे इस वीडियो में पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपके बीएड के जो भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को वेरी शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में बात करें। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न आते कैसे हैं और उसको लिखना। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। दोस्तों तो इंग्लिश में अगर बात करें तो लैंग्वेज लर्निंग इज द प्रोसेस बाई विच द लैंग्वेज कैपेबिलिटी डेवलप्स इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर लैंग्वेज कैपेबिलिटी डेवलप करने की प्रोसेस होती है। अगर आसान से शब्दों में कहें हैं, दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स द लैंग्वेज लर्निंग इज द प्रोसेस बाई विच which are humans requires to ability to understand the language and use words or sentence to communicate correctly। मतलब हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज की सीखते हैं उनके वर्ड्स और सेंटेंस को करेक्टली यूज़ करने के लिए अपने कम्युनिकेशंस के दौरान। तो ये सारी चीज़ें हो गई लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। ठीक है कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है दोस्तों, एक प्रोसेस है जो हमारे अंदर लैंग्वेज की कैपेबिलिटी क्या करती है, डेवलप करती है। चलें अगर हम लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो देखो लैंग्वेज जो चीज़ें होती है ना वो प्रोडक्टिव होती हैं, क्रिएटिव भी होती है, सिंबॉलिक भी होती है, सिस्टमेटिक होती है, सिस्टमेटिक होती है और वोकल होती है। लैंग्वेज आपने, जैसे मैं बात करूँ तो मैं क्या वर्बली बात करूँ, वोकली बात करूँ। सिस्टमेटिक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज का एक सिस्टम तरीका होता है कि कब कैसे कहाँ बोलना है। सिंबॉलिक भी लैंग्वेज होता है, जैसे आप ड्राइव करते समय देखेंगे तो ये वाला सिंबल, मतलब आपको इधर जाना है, ये वाला नहीं जाना है, तो ये क्या होता है, ये भी एक लैंग्वेज का पार्ट है जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज एक क्रिएटिव चीज़ है, प्रोडक्टिव चीज़ है। तो ये हो गई बात लैंग्वेज की। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लैंग्वेज की ओरिजिन के बारे में ना, वो थ्री चार मोर फेमस थियरीज है, देयर आर फोर फेमस थियरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, की लैंग्वेज कहाँ से उत्पन्न हुआ। सो द फर्स्ट वन इज द बो वो थियरी, फूफू थियरी, डिंग डोंग थियरी और योही हो थियरी। ये चार इंपॉर्टेंट थियरी माने जाते हैं लैंग्वेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि व्हाट इज़ पोएट्री। अक्सर आपसे पूछता है कि पोएट्री क्या है और प्रोज क्या है। ठीक है चलिए, ये भी पूछता है और साथ ही साथ मेथड ऑफ टीचिंग पोएट्री और मेथड ऑफ टीचिंग प्रोज पूछा जाता है। तो चलिए पोएट्री के बारे में बात करें तो पोएट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ द वर्ड। पोएट्री में अक्सर आप देखेंगे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्ड्स का इंटरप्ले होता है, राइट, एंड राइम्स, उसमें राइम्स भी होते हैं। तो पोएट्री इज़ द टाइप्स ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड द राइम। ओके, इट ऑफन इम्प्लॉयज राइम इन द पोएट्री, द वर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग टुगेदर टू फॉर्म साउंड्स, इमेज एंड आइडियाज दैट माइट बी टू कॉम्प्लेक्स और अब्स्ट्रैक्ट टू डिस्क्राइब डायरेक्टली। ठीक है, जो कि डायरेक्टली हमें एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम पोएट्री में वर्ड्स इंटरप्ले और राइम के माध्यम से क्या कहते हैं, सजाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट्री। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ फिर भी आपको ये क्वेश्चन जरूर याद करना है, पढ़ना है और समझना है कि पोएट्री क्या होती है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से फिर से एक बार कोशिश कर दूं कि पोएट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ द वर्ड्स एंड द राइम। इट ऑफन एम्प्लॉयज राइम इन पोएट्री, द वर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग टुगेदर टू फॉर्म साउंड्स, इमेज एंड आइडियाज दैट माइट बी टू कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट टू डिस्क्राइब डायरेक्टली। ठीक है चले, अगर हम बात करें कि प्रोज क्या होता है, तो प्रोज क्या है दोस्तों, तो प्रोज में कोई राइम नहीं होता, वर्ड इंटरप्ले नहीं होता। तो प्रोज इज द ऑर्डिनरी लैंग्वेज दैट फॉलोज रेगुलर ग्रामेटिकल कन्वेंशंस एंड डज नॉट कंटेन अ फॉर्मल मैट्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस डेफिनेशन द प्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोज राइटिंग एज इज मोस्ट ह्यूमन कॉन्वर्जेशन, टेक्स्ट बुक, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, फेरी टेल्स, न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स एंड ऐसे। तो ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, पार्ट हो गए हमारे प्रोज के। तो प्रोज क्या है दोस्तों, प्रोज नथिंग बट प्रोज क्या है कि एक नॉर्मल चीज़ है, ऑर्डिनरी टाइप्स है जो कि ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से लिखे रहते हैं। ठीक है, द प्रोज इज ऑर्डिनरी लैंग्वेज दैट फॉलो द रेगुलर ग्रामेटिकल कन्वेंशंस या फिर ग्रामर रूल्स एंड डज नॉट कंटेन द फॉर्मल मटेरियलिस्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गई प्रोज के बारे में। अगर हम बात करें ग्रामर के बारे में कि ग्रामर क्या होता है दोस्तों, ग्रामर के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। ओके, द सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन द लैंग्वेज। समझ में आ गई बात, द सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन द लैंग्वेज। ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ड इनटू सेंटेंस, कि हम कैसे वर्ड को सेंटेंस में ऑर्गेनाइज करते हैं। अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज। ये क्या है दोस्तों, अ सिस्टम ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गई हमारी बात ग्रामर की।
अगर आसान शब्दों में बात करें तो ग्रामर क्या है दोस्तों? ग्रामर इज द सेट, जैसा हम हिंदी में हमने पढ़ा था, मैं पर्सनली मतलब हम व्याकरण को पढ़ते थे कि व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध लिखना बोलना और समझना सिखाती हो। तो ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स विच टीच अस टू राइट स्पीक अंडरस्टैंड द लैंग्वेज करेक्टली। समझ आ गई भाई? बहुत अच्छा। इसी को डॉक्टर स्वीट कहते हैं। नाम भी देखिए कितना स्वीट सा है, प्यारा सा, ये कभी भूलेगा नहीं आपको। तो डॉक्टर स्वीट कहते हैं कि ग्रामर इज द पार्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स एंड एनाटॉमी। ठीक है, तो ये हो गए डॉक्टर स्वीट्स के बारे में। डॉक्टर स्वीट की यह भी देखिए, स्वीट्स इन्होंने ऐसे दिखते थे, इन्होंने अपने किताब में लिखा था। ठीक है, तो ये हो गई बात, डेफिनेशन हो गई ग्रामर की। अगर हम बात करें व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, चार दोस्तों मुख्य मेथड है जो कि अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और इंसिडेंटल मेथड, ये तो हमें चार मेथड है। ठीक है, अब इस मेथड को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, पहले हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड क्या होता है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल मेथड। इन दिस मेथड ग्रामर इज टेकन एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड टॉट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक। समझ में आ गई बात? ट्रेडिशनल मेथड, जैसे हम ग्रामर बुक के माध्यम से ग्रामर पढ़ाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? डिडक्टिव मेथड। द टीचर यूज ग्रामर टेक्स्ट बुक, ही फर्स्ट टेल हिज स्टूडेंट द रूल और डेफिनेशन, देन एक्सप्लेन दोज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड गिव्स एक्सरसाइज एंड आस्क पीपल टू अप्लाई द रूल। समझ में आ रही बात? चलिए, बिल्कुल ट्रेडिशन। द लर्नर्स आर सपोज टू मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। दिस मेथड इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। मेथड ऑफ, यहाँ पे नाउन नहीं, यहाँ पे आप वो कर लें कि यहाँ पे द मेथड ऑफ द मेमोरीज द डेफिनेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द ग्रामर। ठीक है, ये हो गई बात डिडक्टिव मेथड की। अब डिडक्टिव मेथड की एडवांटेज ये है दोस्तों कि मतलब नॉर्मल टीचर भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक से पढ़ाना है। इट इज़ बेस्ड ऑन द थियरी फ्रॉम द जनरलाइजेशन टू एग्जाम्पल। दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट टू कंपेयर द आइडियाज इन द ग्रामर ऑफ द मदर टंग एंड सेकेंड और फर्स्ट लैंग्वेज। समझ में आ रही बात? कि इसमें क्या करते हैं, बच्चों को ये बताता है कि आप कंपेयर कर सकते हैं अपने जो भी मदर टंग है उसको और ग्रामर से, इंग्लिश से कंपेयर कर सकते हैं। द लर्नर कैन ट्राई ग्रामेटिकल क्वेश्चन वेरी इजिली। ऑब्वियस सी बात है, लर्नर कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली एंड कैन एक्सप्लेन द रूल्स स्ट्रक्चर ETC। मतलब टोटली क्या है कि वह रूल, वह मेथड पढ़ाने का जिसमें बच्चों को पहले ग्रामर पढ़ाया जाए, ग्रामर याद कराया जाए या बताया जाए, फिर उस आधार पर हम उसको होमवर्क देंगे और एग्जाम्पल देके उसको इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गई बात डिडक्टिव मेथड। इसे कुछ डिसएडवांटेज की बात करें, दिस मेथड कैन नॉट डेवलप कम्युनिकेटिव एबिलिटी अमंग द लर्नर। क्योंकि हम बात जब रट के करेंगे, जब हम ग्रामर के रूल सिक्स करेंगे, तो फिर हमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डेवलपमेंट नहीं होगा। द लर्नर बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग द क्लासरूम। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे रटने वाली बात की गई। दिस मेथड इज़ नॉट चाइल्ड सेंटर्ड बट द टीचर सेंटर्ड। एग्जैक्टली, इवन आप कह सकते हैं दिस मेथड इज अबाउट द बुक सेंटर्ड। ठीक है, इन द क्लासरूम द टीचर देर इज़ अ हार्डली यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट। क्योंकि ये टोटली क्या करना है आपको, बुक के यूज हेल्प से पढ़ाना है। इसी के ऑपोजिट अगर हम बात करें, इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इज ऑल्सो नोन एज द इनफॉर्मल मेथड, इसको हम इनफॉर्मल मेथड कहते हैं। इन इंडक्टिव मेथड द टीचर फर्स्ट प्रेजेंट और टेक्स द एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टूडेंट देन कम्स टू द थियरी। इसमें हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम थियरी पे चलते हैं। ठीक है, दिस मेथड इम्प्लाइज टीचिंग ऑफ द ग्रामर नॉट बाई रूल्स बट बाई यूजेस। इसमें हम पहले यूज पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद रूल पढ़ाते हैं। थ्रू कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ग्रामर कैन बी टॉट एंड देयर फॉर द लर्नड बाई द स्टूडेंट। हम जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल्स लेके, जब पहले हम एग्जाम्पल लेके फिर रूल पे चलेंगे, तो ये हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। इसके ऑपोजिट, जब हम पहले रूल सिखाएंगे फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों डिडक्टिव मेथड। राइट, चलिए ये हो गई बात। तो इसके एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी यूजफुल इन द क्लासरूम टीचिंग। दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पर्टिकुलर नोशन इन द ग्रामर, लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू। दिस मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड। द लर्नर लर्न पर्टिकुलर ग्रामर पॉइंट थ्रू यूज, इंटरेस्टिंग फॉर द चिल्ड्रेन। अच्छा, दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल इन द ओवर क्राउडेड क्लास। एग्जैक्टली, क्योंकि सारे बहुत ओवर क्राउडेड क्लास में आप सारे बच्चों से एग्जाम्पल पहले नहीं ले सकते, टाइम भी ज़्यादा लगता है और स्किल टीचर रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए। अब आइए, अब एक मेथड है दोस्तों जिसमें, जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव, जिसमें हम दोनों तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी इसके तीसरे पार्ट की, तो इसको इंडक्टिव डिडक्टिव कहते हैं, जिसमें हम दोनों मेथड से पढ़ा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव। लास्ट देख लेते हैं इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड का क्या मतलब होता है? इंसिडेंटल का मतलब होता है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द कोरिलेशन ऑफ द रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग। दिस मेथड हेल्प्स स्टूडेंट टू कोरिलेट ग्रामर विद द अदर रिलेटेड लॉजिकल स्ट्रक्चर। दिस मेथड ग्रामर इज टॉट इंस्टेंटली वाइल द टीचिंग द टेक्स्ट बुक, ट्रांसलेटिंग अ पैसेज ड्यूरिंग द कंपोजिशन। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप बुक पढ़ा रहे हैं, बुक पढ़ाते वक्त जो आपके रूल सामने आ रहे हैं, उस रूल को आपने बता दिया,
ठीक है। तो इसी को इंसिडेंटल मेथड कहते हैं। आपने तुरंत जो भी रूल्स आए आपने बताता चला गया, ठीक है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि अभी आपने इंडेफिनिट पढ़ाया तो फिर कल फ्यूचर पढ़ाए, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आपने जैसे बुक्स पढ़ाते जा रहे हैं आपके बीच में जो भी ग्रामर्स रूल आ रहे हैं आप उसको पढ़ाते जा रहे हैं। सो दीज आर द फोर मेन टाइप्स ऑफ द टीचिंग ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, सम स्टेप्स ऑफ द दिस मेथड्स आर फॉलोज। स्टूडेंट्स आर गिवन सम एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर टाइप्स। इंडक्टिव डिडक्टिव की बात कीजिए, दोनों की, जिसमें हम दोनों की यूज़ करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, आसान से शब्दों में बिल्कुल नॉर्मल समझने वाली बात है। कब से कभी कभी आपसे पूछता है कि ऑडियो विजुअल ऐड क्या होता है या फिर ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी क्या होता है। दोस्तों जब हम पढ़ाई में टीचिंग एड्स हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी, टीचिंग वर्क बिकम इंटरेस्टिंग विद द यूज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल्स। एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए, जब हम पढ़ाने के दौरान, जब हम पढ़ाई में मोबाइल, टेलीविजन्स, स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर्स, इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ना, उसी को हम वास्तव में कहते हैं ऑडियो विजुअल्स टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। समझ में आ रही बात? अब इससे सही बात है, टीचिंग इंटरेस्टिंग होगी। अलॉन्ग विद दिस द नॉलेज ऑफ द फैक्ट इज ईजिली अवेलेबल टू स्टूडेंट एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियस बात है, टीचिंग वर्क कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू डू विदाउट टीचिंग मटेरियल, बट इफ़ टीचिंग वर्क इज़ डन यूजिंग टीचिंग मटेरियल देन द टीचिंग वर्क इज़ इफेक्टिव। ये क्या होता है? इफेक्टिव होता है। अब ऑडियो विजुअल जो एड्स या टेक्नोलॉजी होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा? ऑडियो, दूसरा विजुअल, तीसरा ऑडियो विजुअल, तीनों। ऑडियो का मतलब वो गैजेट या वो डिवाइस जिसमें केवल सुनाई देती हो तो वो ऑडियो एड्स कहलाती है, और वो डिवाइस या वो गैजेट जो केवल दिखाई देती हो वो विजुअल एड्स कहलाती है। अब जैसे ऑडियो की हम बात करें तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये क्या हो गए? ऑडियो एड्स हो गए। अगर हम विजुअल्स की बात करें तो विजुअल में क्या होता है दोस्तों? जैसे प्रोजेक्टेड, या फिर आप जैसे मैप ले लीजिए, मैप केवल दिखाई देता है, या फिर जो हम स्लाइड बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना जिसपे पीपीटी तैयार करते हैं, तो वो क्या होता है? वो उस पर केवल दिखाई देते हैं, वहाँ से आवाज़ नहीं आती। लेकिन एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल दोनों, जिसमें दोनों हमें सुनाई भी देता है दिखाई देता है, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्मार्टफोन। तो ये हो गए इसके तीन मुख्य टाइप, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल घबराइए मत, देख लीजिए, ऐसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, अब इसमें अगर आपसे कुछ पूछता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, या फिर आपसे पूछता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो आपको थोड़ा सा स्वयं से लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों एक ओरल टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, एक स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओरल टेस्ट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ओरल टेस्ट जो कि हमें वर्बली पूछा जाता है, रिटन टेस्ट का मतलब हमें जब हमें थियरी लिख के बताना पड़ता है, स्किल टेस्ट का मतलब इसमें दोनों कराया जा सकता है, ऑन द स्पॉट जैसे इंटरव्यू के रूप में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस देके उस पर परफॉर्म करने के लिए पूछा जाता है। तो स्किल टेस्ट में लाइक आपकी रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और आपकी लिसनिंग स्किल्स यहाँ पर टेस्ट की जाती है। तो ये हो गए हमारे तीन टाइप के मुख्य टेस्ट दोस्तों। दोस्तों एक और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग, तीन मुख्य इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं मगर मोस्टली आपसे जो पूछे जाते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड, बायलिंगुअल मेथड और ट्रांसलेशन मेथड। इसके अलावा दोस्तों लेक्चर मेथड, याद रखिए लेक्चर मेथड को भूलना नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, बायलिंगुअल मेथड की और ट्रांसलेशन मेथड की। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हम पहले यहाँ से देखेंगे ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड एक्चुअल में होता क्या है? देखिए सब वर्ड से आप समझ जाएंगे कि अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ाना है, ठीक है, तो इंग्लिश को आप पहले नेटिव लैंग्वेज में, जो भी आपका मदर टंग है नेटिव लैंग्वेज में, उसमें आप ट्रांसलेट करेंगे, उसके जरिए आप बच्चों को समझाएंगे। तो ये क्या होता है? ट्रांसलेशन मेथड होता है, ठीक है। इसको हम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस स्टूडेंट्स लर्न ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दोज रूल्स बाई ट्रांसलेटिंग सेंटेंस बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज मतलब एंड द नेटिव लैंग्वेज, मतलब जो भी लैंग्वेज आपको पढ़ाना है उसमें क्या करते हैं बच्चे? आपके नेटिव लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते हैं। स्टूडेंट मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट, स्टूडेंट मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द होल टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड। देर आर टू मेन गोल्स टू ग्रामर ट्रांसलेशंस, ओके। पहला क्या है दोस्तों? वन इज़ टू डेवलप स्टूडेंट्स रीडिंग एबिलिटी टू अ लेवल वेयर दे कैन रीड लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज। द अदर इज़ टू डेवलप स्टूडेंट्स जनरल मेंटल डिसिप्लिन। मतलब ट्रांसलेशन मेथड वो होता है जिसमें हम बच्चे को ट्रांसलेट करके, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ लिखा हुआ है कि ही इज़ अ गुड बॉय, आपने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया कि वह एक अच्छा लड़का है। सो दिस मेथड इज़ नोन एज द ट्रांसलेशन मेथड। अब इसके क्या है कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं दोस्तों कि बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। दिस मेथड इज़ यूजफुल इन द क्लास विच आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, सब ट्रांसलेट करके समझ जाएंगे। इट इज़ बेनिफिशियल टू यूज़ इन द क्लास वेयर द देर आर स्टूडेंट्स ऑफ द वेरियस लेवल, वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉट सो वेरी इंटेलिजेंट, हर एक लेवल के लिए ये काफ़ी है। इट हेल्प टीचर मच टू क्लियर मीनिंग, मतलब ये अच्छे से मीनिंग क्लियर कर देता है, टीचर को भी हेल्प करता है समझाने में, आसान बना देता है। द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजिली, क्योंकि उनको मदर टंग में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है।
इट डजेंट कंज्यूम दैट, सही बात है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। ओके, प्रिसाइज पिक्चर्स ऑफ थिंग कैन ईजिली बी मेड इन द माइंड, सही बात है। जब हम बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ट्रांसलेट कराते हैं, तो उनके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, हाँ इस चीज़ के बारे में बात होती है। दिस मैथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर द एवरेज एंड द बिलो एवरेज स्टूडेंट, सही बात है। अब इसके फ़ायदे हो गया, इसके कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों। इसको क्या हो गया, नुकसान ये हैं कि नो ओरल वर्क टेक प्लेस इन द क्लास रूम ड्यू टू दिस मैथड, ओनली टीचर स्पीक, ओके दैट्स गुड। द मेन फोकस रिमेन्स ओनली ऑन द मदर टंग, सही बात है। हम क्या करते हैं, मुख्य हमारा फोकस टारगेट लैंग्वेज पर हो जाता है, हमारे मदर टंग पर। इसमें क्या आता है, स्पीकिंग आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, नो स्पीकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज इज़ पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि बच्चे जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट ही करते रह जाएंगे तो स्पीकिंग में उनको प्रॉब्लम होगी। द स्टूडेंट डू नॉट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज, हमें डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने की हम चीज़ें नहीं समझ में आती। इट डजेंट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक्जैक्टली, हम जब हिंदी में ट्रांसलेट तो हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं हम सीख पाते हैं। द मेन एम्फेसिस इज गिवन ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर, स्टूडेंट ट्राई टू एवरीथिंग बाई ट्रांसलेटिंग, और पता है सारी चीज़ों को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, सब चीज़ों को ट्रांसलेट करने से क्या होता है, कभी कभी गलत मीनिंग हो जाता है। सिंपल सी बात यह, तो आसान से भाषा में समझिए, पहला आपका क्या ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन मेथड समझ गए, आपको जब मदर लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं तो वो ट्रांसलेशन मेथड होता है। इसके विपरीत क्या होता है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मतलब आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली यूजिंग डायरेक्ट लैंग्वेज, हियर द टारगेट लैंग्वेज इज इंग्लिश, अ टीचर डज नॉट यूज़ द मदर टंग इन द क्लास नॉर द स्टूडेंट्स अलाउड टू यूज़, थोड़ी सी ग्रामर मिस्टेक हो तो आप समझ जाएगा, मतलब इसमें आप मदर टंग यूज नहीं कर सकते, ना टीचर ना क्लास ना स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लैंग्वेज को आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ाना है, इंग्लिश को आपको इंग्लिश में पढ़ाना है, जो भी आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, चाहे अगर स्पेनिश पढ़ा रहे हो तो स्पेनिश को स्पेनिश में ही पढ़ाएंगे, आप मदर टंग यूज नहीं कर सकते। दिस मैथड इज़ टोटली इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ ट्रांसलेशन, बिल्कुल अपोजिट है उसका, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। द टीचर टीच वर्ड्स बाई पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट और द पिक्चर और बाई परफॉर्मिंग एक्शंस, अब चाहे हम ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करके पढ़ाएं, पिक्चर की तरफ पॉइंट करके पढ़ाएं, चाहे हम परफॉर्म करके एक्शन के द्वारा पढ़ाएं, लेकिन हमें समझाना किसको है, इंग्लिश को, हमको इंग्लिश में समझाना है, ठीक है। इसके एडवांटेज की बात करें तो, सॉरी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट्स एंड वर्ड, एग्जैक्टली, जब हम इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो हम क्या होगा, इंग्लिश में ही सोचेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे, तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट एंड वर्ड्स होगा। ओरल स्पीकिंग प्रैक्टिस होगा, फंक्शंस ग्रामर, नो यूज़ ऑफ मदर टंग, इसके क्या है दोस्तों प्रिंसिपल्स हैं, लिमिटेड वोकैबुलरी, सेंटेंस एज द यूनिट ऑफ स्पीच, तो ये इसके प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे इसमें थिंकिंग इंग्लिश में कर पाएंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, वो और अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एडवांटेज, आप खुद से इसको लिख सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को डायरेक्ट इंग्लिश में ना समझ में आए, दूसरा इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और ये क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड है सीखने के लिए, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज आप इसको लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक और मेथड रह गया हमारा, बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड होता है दोस्तों जहाँ पे हम दोनों लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, मतलब आपको इंग्लिश को इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे और चाहे तो आप हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इतना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नहीं है कि आप हिंदी यूज़ ना ही करें, तो आप दोनों कर सकते हैं। बाइलिंगुअल मेथड इज़ वन ऑफ द मेनी टीचिंग मेथड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, सी जे डॉटसन हैड इन्वेंटेड दिस मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज इन 1967, ओके। अब उन्होंने क्या कहा था, स्कूल्स यूज दिस मेथड वेयर टू लैंग्वेज, दैट इज द मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज आर यूज, ठीक है, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। इन दिस मेथड टीचिंग आई यूज द मदर टंग टू अचीव द टारगेट लैंग्वेज, हियर इट इज इंग्लिश। द मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसिस विच इज फाउंड बिटवीन द टू लैंग्वेजेस, कहने का मतलब है दोस्तों बाइलिंगुअल मतलब कोई भी चीज़ को आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, तो उसको हम बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों से अच्छा है, दोनों से अच्छा है, ठीक है, तो इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज खुद लिखना पड़ेगा, ओके। तो लास्ट में एक और हम पॉइंट देख लेते हैं, तो क्वालिटी ऑफ गुड इंग्लिश टीचर, गुड इंग्लिश टीचर की क्वालिटी क्या हो सकती है, पहले तो वो मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए, जो भी आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उसके अंदर उसको एक्सपर्ट होना चाहिए, उस इंग्लिश के नॉलेज होना चाहिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब इंग्लिश टीचिंग के प्रिंसिपल्स और मेथड के उनको नॉलेज होना चाहिए, ओके। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, नॉलेज ऑफ चाइल्ड नेचर, इफिशियंट क्लासरूम कंट्रोलर, एक अच्छा कुशल क्या कहते हैं कंट्रोलर होना चाहिए क्लासरूम का, उसकी स्पीकिंग स्किल्सफुल होनी चाहिए दोस्तों, और स्कूल स्कॉलर ऑफ लिटरेसी एंड फ्रिक्शंस, उसको थोड़ा सा लिटरेसी और फ्रिक्शंस के बारे में उसको आना चाहिए दोस्तों। डोमिनेंट पर्सनैलिटी, जस्टिफाई करने वाला होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फेयर मतलब ईमानदार होना चाहिए, और सिंपैथेटिकल बिहेवियर उसका होना चाहिए, और उसका जो यूनिफॉर्म, लाइक उसका जो
आउटलुक है वो भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो कहने का मतलब आप उसकी क्वालिटी एक अच्छे टीचर की क्या होती है, ये आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा लाइक एक एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपसे इसके बारे में प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर इसके अलावा आपसे थोड़ा सा इवैल्यूएशंस के बारे में पूछा जाता है। तो मतलब कहने का मतलब यही सारी चीज़ें हैं, बाकी इसी के अंदर से आएगा। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बेफिक्र होकर जाइए, बिना टेंशन के पेपर उठाइए, कलम उठाइए, कल के सारे क्वेश्चंस आपको आते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, बहुत अच्छा से आपका पेपर होगा। इस वीडियो को हम यही ख़त्म करेंगे। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी, समझ में आई हो कुछ चीज़ें तो कमेंट में अपनी जाए राय जरूर दें दोस्तों, मुझे आपके कमेंट का बड़ा इंतजार रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम से आप मुझे जुड़ सकते हैं, इस दिए गए इस आईडी से मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, आप वहाँ से टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अपना खूब ख्याल रखिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।